वेलकम बैक। आपको बताएं कि अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए। पीटीआई कोर कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज वजीर आजम की सदारत में होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम मौजूदा सूरत हाल में हिकमत अमली पर कमेटी अरकान को एतमाद मिलेंगे जराए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म कोर कमेटी को एतमाद मिलेंगे। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत के अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुतलिक हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, मुतहिदा अपोजिशन जमातों का इजलास आज होगा। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों से होने वाली मुशावरत भी जेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म को घर भेजने का मिशन, मुतहिदा अपोजिशन जमातों का इजलास आज होगा। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों से होने वाली मुशावरत भी जेर गौर आएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की राजगाह पर होगा। शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। इजलास में आसिफ अली जरदारी को भी दावत दी गई है। सरदार अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन को मदु किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में पार्लियामेंट लॉजिस एमएनएस पर तशद्दुद और गिरफ्तारी का मामला भी जेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग का अहम मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन का साथ देना है, मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक एमकेएम का वफी चौधरी ब्रादरान से मुलाकात करेगा। काफ लीग से बीएपी के दरमियान भी मुलाकात तय हो चुकी। अगले 2 से 3 रोज में हुकूमती इत्तेहादी जमातें अपने फैसले का ऐलान करेंगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका कमेटी ने मामलात को हतमी शिकल दे दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुकूमती इत्तेहादी जमातें काफ लीग का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। हुकूमत के साथ रहना है या अपोजिशन का साथ देना है, मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक एमकेएम का वफद भी चौधरी ब्रादरान से मुलाकात करेगा। काफ लीग से बीएपी के दरमियान भी मुलाकात तय हो चुकी। अगले 2 से 3 रोज में हुकूमती इत्तेहादी जमातें अपने फैसले का ऐलान करेंगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका कमेटी ने मामलात को हतमी शिकल दे दी। हुकूमत का इत्तेहादियों से राब्तों का एक और दौर शुरू होने का फैसला। हुकूमत काफ लीग एमकेएम और बीएपी से दोबारा राब्ते करेगी। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम से मुलाकात करवाने की भी कोशिश है। वजीर आजम की परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान है। हुकूमती जराए तहरीक अदम एतमाद के पेश नजर हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्तों का एक और दौर करने का फैसला किया है। जराए के मुताबिक हुकूमती शख्सियात मुस्लिम लीग काफ एमकेएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से दोबारा राब्ते करेंगी। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की वजीर आजम से मुलाकात करवाने की भी कोशिश की जा रही है। आज हुकूमती शख्सियात दोबारा मुस्लिम लीग काफ से राबता करेंगी। हुकूमती शख्सियात के मुताबिक वजीर आजम की परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमात को इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। इत्तेहादी अपोजिशन की चाल को पूरी तरह समझते हैं। इत्तेहादी तजुर्बाकार सियासतदान है, अपोजिशन के बहकावे में नहीं आएंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को मायूसी होगी कि आपने मौलाना के नजरिए में पीपल्स पार्टी को जम कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से किरदार अदा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अदम एतमाद में क्या किरदार अदा करेंगे? बिलावल को तजवीज
है कि कौमी इदारों को सियासत में घसीटना दुरुस्त नहीं। तहरीक अदम एतमाद का आइन की रूह के मुताबिक मुकाबला करेंगे, तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देंगे। आइन सब के लिए मुकद्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। बिलावल से सवाल है कि क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? बिलावल और इनके अबू नोटों के थैले लिए दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। मेरी जमात को इत्तेहादियों पर मुकम्मल एतमाद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इत्तेहादी ऑपोजिशन की चाल को पूरी तरह समझते हैं। इत्तेहादी तजुर्बाकार सियासतदान है, ऑपोजिशन के बहकावे में नहीं आएंगे। तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन को मायूसी होगी कि आपने मौलाना के नजरिए में पीपल्स पार्टी को जम कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से किरदार अदा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अदम एतमाद में क्या किरदार अदा करेगी? बिलावल को तजवीज है कि कौमी इदारों को सियासत में घसीटना दुरुस्त नहीं। तहरीके अदम एतमाद का आइन की रूह के मुताबिक मुकाबला करेंगे, तहरीके अदम एतमाद को शिकस्त देंगे। आइन सब के लिए मुकद्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। बिलावल से सवाल है कि क्या आप आइन का एहतराम कर रही हैं? बिलावल और इनके अबू नोटों के थैले लिए दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो, क्या आपने उस हलफ का मुलाहजा नहीं किया जिसके तहत बहसीयत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओछ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असेंबली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशस्त में हम उसके पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जमीर खरीदने का आपने एक एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी होगा जो आप कर रहे हैं और सबके इल्म में है किसको किसको आपने किससे राब्ता किया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है, नून लीग जीटी रोड और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की पार्टी है, एएनपी खैबर पख्तूनख्वा चंद अजला की जमात है, खैबर से कराची तक एक ही जमात है जो तहरीकी इंसाफ है। इमरान खान मुल्क को मुतहदिद करने वाली कुव्वत का नाम है। पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर बेतहाशा चैलेंजेस हैं, अगर कामयाब होना है तो मुल्क का मुतहद होना जरूरी है। असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किससे मुल्क से लड़ाई नहीं चाहती है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अदम एतमाद को छोटी चीज समझता हूं, नाकामी से दो चार करेंगे। काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है, वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि नून लीग जीटी रोड और पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सिंध की पार्टी है, एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला की जमात है, खैबर से कराची तक एक ही जमात है जो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान मुल्क को मुतहद करने वाली कुव्वत का नाम है। पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर बेतहाशा चैलेंजेस हैं, अगर कामयाब होना है तो मुल्क का मुतहद होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी मुल्क से लड़ाई नहीं चाहती, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अदम एतमाद को छोटी चीज समझना, नाकामी से दो चार करेंगे। नून लीग की रहनुमा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान के साथ रहना कोई नहीं चाहता, क्या लोग इकट्ठे करना सिर्फ इमरान खान को आता है? पीटीआई अरकान जमीर की आवाज पर वोट देना चाहते हैं, फैसले करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। इमरान खान जलसों में गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अलीम खान से बात हो गई है, शमूलियत पर बात नहीं करना चाहता, चाहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन हो।
इमरान खान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। नून लीग की रहनुमा साद रफीक ने कहा कि क्या लोग इकट्ठे करना सिर्फ इमरान खान को आता है, पीटीआई और अकीन जमीर की आवाज पर वोट देना चाहते हैं। फैसले करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। इमरान खान जलसों में गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अलीम खान से बात हो गई, शमूलियत पर बात नहीं करना चाहता, चाहते हैं पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन हो। एक साल 15 माह रह गए, इसमें ये नहीं हो सकेगा। चीजों को सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि ट्रैक पे डालें। पीएमएलएन ये समझ लिया है कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, मुख्तलिफ राय लोगों की, वो एक राय बन जाएगी। सवा साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता, ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहें लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का, लोग उसको वोट दे देंगे। तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क चलाएगा। इसके लिए सवा साल या डेढ़ साल इंतज़ार करना मुमकिन नहीं है। ये इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। ये इंतकाम का जो सिलसिला है ये पाकिस्तान को दायरे में सफ़र हो रहा है, और अकाउंटेबिलिटी एहतसाब ये एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ अदालतों का काम है। अगर एग्जेक्टिव ये कहेगी कि मैंने एहतसाब करना है तो फिर वो एहतसाब मशकूक हो जाता है, जानिबदार हो जाता है और उसके अंदर फिर सवालात किए जाते हैं। मुराद सईद ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में अपने मुल्क के सफीर हैं। माजी के हुक्मरानों का इमरान खान से मवासना करना तोहीन समझता हूं। माजी के हुक्मरान टैक्स का पैसा चोरी करके बैरूनी मुल्क जायदादें बनाते रहे। एक तरफ चोर डाकू, दूसरी तरफ मुल्क का सादिक और अमीन वजीर आजम है। पीटीआई ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में अपने मुल्क के सफीर हैं। मुराद सईद ने कहा कि माजी के हुक्मरानों को इमरान खान से मवासना करना तोहीन समझता हूं। माजी के हुक्मरान टैक्स का पैसा चोरी करके बैरूनी मुल्क जायदादें बनाते रहे। एक तरफ चोर डाकू, दूसरी तरफ मुल्क का सादिक और अमीन वजीर आजम है। पीटीआई ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज से आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बनके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान के मुश्किल माशी सूरत हाल में जिस तरह आप मईशत को कंधा देके सहारा देते हैं, उसको उठाते हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का वो बाइस बने, लेकिन उसी वक्त भी आप पाकिस्तान के फखर का जामिन बने, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पे आप लोग जब अपने बच्चों को पैसे बेचते थे पाकिस्तान को उठाने के लिए, यहां पे आप साथ देते थे, उस वक्त आपके मुल्क के हुक्मरान कौम के टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जायदादें बनाते थे। शहबाज गिल ने कहा कि पिछले कई सालों से ओवरसीज को हक नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी के कारोबार बाहर के ममालिक में इत्मीनान बख्श हैं। ओवरसीज यादगार लम्हात को ताज़ा करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ओवरसीज की शनाख्त पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पर शनाख्त का मोहताज होता है। पाकिस्तान में ओवरसीज के प्लाट पर कब्जा किया जाता है। पिछले कई सालों से ओवरसीज को हक नहीं दिया गया। शहबाज गिल ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कारोबार बाहर के ममालिक में इत्मीनान बख्श हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यादगार लम्हात को ताज़ा करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ओवरसीज की शनाख्त पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पर शनाख्त का मोहताज होता है। पाकिस्तान में ओवरसीज की प्लाट पर कब्जा किया जाता है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राणा सनाउल्ला का अहम बयान, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पार्टी के सूबाई डिवीजन और जिले अहदेदारों को तैयारियों की हिदायत। डी चौक पहुंचने के लिए तैयार हैं। राणा सनाउल्ला ने अहदेदारों को अलर्ट कर दिया, डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, पार्टी की आदत कॉल करेगी जैसे ही पार्टी कॉल देगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान। उबैद खान, ये बताइएगा कि राणा सनाउल्ला का
अहम बयान सामने आया है और नून लीग भी इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रही है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर इससे पहले कबल बात की जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अहम बयान जो थे वो सामने आ रहे थे और कहा जा रहा था कि डी चौक में वो एक बड़ी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे और एक बड़ा जलसा करेंगे, जिसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्यादत की जानिब से भी बड़े फैसले जो हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। और जबकि पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा राना सनाउल्ला ने वाजे तौर पर सूबाई डिविजनल और जिले अहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नून लीग की जानिब से कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि कारकुन इस्लामाबाद में डी चौक पर पहुंचने के लिए तैयार रहें और अवामी कुव्वत दिखाएंगे, पार्टी क्यादत जब काल देगी तो यकीनन डी चौक पहुंचना होगा। जी बहुत शुक्रिया उबैद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्ला का अहम बयान, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए तैयार रहने की हिदायत, पार्टी के सूबाई डिवीजन और जिली अहदेदारों को तैयारियों की हिदायत, डी चौक पहुंचने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्ला ने अहदेदारों को अलर्ट कर दिया, डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, पार्टी क्यादत कॉल करेगी, जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़ेंगे। कराची में सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। खालिद मंसूर ने कहा कि अब मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है, 5300 मेगावाट बिजली की पैदावार है। मौनी खसूसी सी पैक ने कहा कि सी पैक से पाक चीन जमीनी रवाबित में इजाफा हुआ है, पिशावर से कराची के दरमियान रेल रवाबित पर काम जारी है। कराची में सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। खालिद मंसूर ने कहा कि अब मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है, 5300 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। सी पैक से पाक चीन जमीनी रवाबित में इजाफा हुआ है। खालिद मंसूर ने कहा कि पिशावर से कराची के दरमियान रेल रवाबित में काम जारी है। लाहौर के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 20 गाड़ियों और 60 फायर फाइटर ने हिस्सा लिया। दुकानों में करोड़ों मालियत रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। इमदादी कामों में मुदाखलत पर प्लाजे के सिक्योरिटी इंचार्ज समेत दो अफराद गिरफ्तार हो गए। वजीर आला पंजाब ने प्लाजे में आतिशबाजी के वाके की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाकया शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आग रात लगी, जिससे इन्हें देखते ही देखते पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया। शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 400 दुकानें और राहदारियों में लातादाद काउंटर्स थे। ज्यादातर दुकानें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स की थी। आग लगने से शोले आसमान तक बुलंद होते रहे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेडियर की 5 गाड़ियों और 60 एहलकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस ने इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट डालने पर प्लाजे के सिक्योरिटी इंचार्ज और मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। ताजरों ने आग लगने का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इधर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार ने गुलबर्ग के प्लाजे में आतिशबाजी के वाके की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुलबर्ग के इलाके में प्लाजे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। प्लाजे में लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के वाकये के हवाले से कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू 1122 का क्या कहना है, जान लेते हैं लाहौर से अपने आजम बाजवा से। जी आजम बाजवा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड सेंटर के करीब मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में निजी प्लाजा में लगने वाली आग पर रेस्क्यू 1122 ने जो है वो काबू पा लिया है। तो इस हवाले से कमिश्नर लाहौर डॉक्टर उस्मान की जानिब से इस प्लाजे का विजिट किया कर लिया गया है। आग कैसे लगी, क्या नुकसान हुए, कमिश्नर लाहौर जो है इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक्य पेश आया है। कितना नुकसान हुआ है, कितनी दुकानें चली हैं और अभी तक जो है वो किस तरह के शिकायत सामने आए हैं आग लगने? देखिए अभी बड़ा प्री मेच्योर है ये कहना कि आग किस तरह से लगी है। आग हो सकता है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से लगी हो सकता है किसी ने सिगरेट जलाई हो उस वजह से लगी हो। अभी बहुत प्री मेच्योर है, जब तक हमारा कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्डिंग को सही तरह से एक्सेस नहीं मिलती हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, तब तक ये डिटर्मिन करना ज़रा मुश्किल है। जैसे ही हो जाएगा, हमने एक कमेटी तश्कील दी है, डीसी ऑफिस के नुमाइंदगान होंगे उसके अंदर, एलडीए के नुमाइंदगान होंगे, सिविल डिफेंस के 1122 के और जो दीगर इदारे हैं जिनका ताल्लुक है बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन के साथ, वो मिलके इसका अंदाजा लगाएंगे और तखमीना लगाएंगे, जो भी सूरत हाल होगी वो फिर बताई जाएगी। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 के डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सर जी,
कितनी रेस्क्यू गाड़ियों ने हिस्सा लिया, कितने रेस्क्यूअर थे और कितनी देर में इस आग पर काबू पाया और रेस्क्यू 112 को फायर की आग लगने की इत्तला कब मिली? ये हमें रात को 12:45 पे जो लाहौर कंट्रोल ने बताया वो किसी गुजरते हुए शहरी ने जो है इसकी जो है वो कॉल की है और फौरन हमारी गाड़ियों ने एम्बुलेंस से फौरन और फिर फायर व्हीकल ने भी 9 मिनट में रिस्पॉन्ड कर लिया है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। हमने नेबरिंग जगहों से जो भी हमें चाहिए थी वो भी सपोर्ट ली, तो 22 के करीब हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल्स थी, उसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेज और सबने बाकियों ने भी पार्टिसिपेट किया। आज अल्लाह का शुक्र है चंद घंटों में ही इसको हमने आग को बहुत बड़ी आग थी उसको काबू पा लिया, तो इसलिए इंशाल्लाह अभी आप देख सकते हैं फायर कंट्रोल हो गई है। तो हमारे 92 के करीब फायर रेस्क्यूअर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अब बाकायदा इंक्वायरी का प्रोसेस जो है इसके बाद करेंगे कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि फायर क्यों लगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डीजी रेस्क्यू 112 डॉक्टर रिजवान सिंह का ये कहना है कि 90 के करीब रेस्क्यूअर जो अहलकार थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने में जो है वो हिस्सा लिया था। दूसरी जानब जो है कबल वक्त कहना मुश्किल है कि ये आग कैसे लगी, ताहम आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आजम बाजवा अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जानभाग अफराद की तादाद 30,309 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 462 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,19,154 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 18,023 है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेज की शरह 1.48% है। शाला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा कि पंजाब की सकाफत दुनिया भर में मुनफरिद है। यौम सकाफत मनाने का मकसद मोहब्बत की खुशबू के पैगाम को आम करना है। पंजाब की सकाफत के सर भी अनोखे हैं और साज भी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुस्तार का पंजाब के यौम सकाफत पर पैगाम। पंजाब की सकाफत दुनिया भर में मुनफरिद है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा कि यौम सकाफत मनाने का मकसद मोहब्बत की खुशबू के पैगाम को आम करना है। पंजाब की सकाफत के सुर भी अनोखे हैं और साज भी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पंजाब के यौम सकाफत पर पैगाम। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर गुजरात भर में सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से एक रैली निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद आबिद अली इस रैली में डिप्टी कमिश्नर गुजरात के हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज का दिन किस तरह मनाया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना है। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर जो है वो आज गुजरात में भी जो है वो सकाफत का दिन जो है वो जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो कल्चर डे के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर गुजरात की जानब से जो है वो एक वॉक का भी अहतमाम किया गया और यहाँ पर ज़िले इंतजामिया के जो ऑफिसज़ हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो कल्चर डे के हवाले से जो है वो पगें भी पहनी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो घोड़ों का जो है वो डांस भी हुआ है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरात जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं, उनके साथ ज़िले इंतजामिया अमूर के दूसरे अफसरान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और उनका क्या कहना है। जी थैंक यू वेरी मच। जी जैसा कि आपके नॉलेज में आज चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पर हम ये कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज पूरे गुजरात में हर जगह पर हर शख्स जो है वो ये कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहा है और बेसिकली हम अपने आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब का कल्चर क्या है, पंजाब में कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने इसके कल्चर के लिए काम किया, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी सकाफत क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से पंजाब जो है वो पंजाब बना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज लोगों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं और उस इस डे के हवाले से मैं समझता हूँ लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म भी है और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना यह था कि आज का दिन मनाने का मकसद जो है वो आने वाली नस्लों को ये आगाही देना है कि पंजाब का बेसिकली कल्चर क्या है और इस पंजाब के लिए किन लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं और किस वजह से हम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बहुत शुक्रिया आबिद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की कार्रवाई, 6,000 किलो से ज्यादा मुसरे सेहत मसालाजात बरामद कर लिए गए। मुसरे सेहत मसाले की तैयारी इस्तेमाल शुदा नाकिस तेल जब्त 3 यूनिट सील कर दिए गए। कार्रवाई पेशावर चारसदा रोड पर मसालाजात यूनिट्स में की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की कार्रवाई, पेशावर में 6,000 किलो से ज्यादा मुसरे सेहत मसाले जात बरामद कर लिए गए। मुसरे सेहत मसाले की तैयारी में इस्तेमाल शुदा नाकिस तेल जब 3 यूनिट सील कर दिए। कार्रवाई पेशावर चारसदा रोड पर मसाले जात यूनिट्स में की गई। अब खबर शामिल करेंगे बैन अलाक़वामी मंजरनामे से।
साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। बराक ओबामा का ट्वीट, कुछ दिनों से गले में खराश हो रही थी, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। एहलिया मशल का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। हम शुक्र करते हैं कि कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाई थी, चाहते हैं कि कोरोना केसेस कम हो जाएं, लेकिन फिर भी आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आज मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। बराक ओबामा का ट्वीट, कुछ दिनों से गले में खराश हो रही है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। एहलिया मशल का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। हम शुक्र करते हैं कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाई थी। रूस ने चीन से इक्तिसादी, फौजी और इक्तिसादी मदद मांग ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस हमले के आगाज से ही चीन से फौजी मदद की दरख्वास्त कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐसे इशारे मिले हैं कि चीन रूस की मदद के लिए तैयार है। चीन खुद को यूक्रेन तनाजे में गैर जानबदार जाहिर कर रहा है। चीन ने रूस के हमले में अभी तक मजम्मत नहीं की है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की रोम में आज आला चीनी अहदेदारों से मुलाकात मुतवक्के है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीन रूस की मदद ना करें। न्यूयॉर्क में रूस पाबंदियों की वजह से डिफॉल्ट कर सकता है। आईएमएफ के मुताबिक रूस के कर्जे अदा करने की सलाहियत महदूद हो चुकी है। रूस के डिफॉल्ट होने से आलमी मालियाती बहरान पैदा नहीं होगा। इक्तिसादी पाबंदियां रूसी मईशत पर शदीद दबाव डाल रही हैं। रूस की तवानाई पर इजहार करने वाले पड़ोसी ममालिक भी मुतासर होंगे। जंग से कबल रूस के बैंकों की मजमू एक्सपोर्ट्स 120 अरब डॉलर थी। न्यूयॉर्क में रूस पाबंदियों की वजह से डिफॉल्ट कर सकता है। रूस के कर्जे अदा करने की सलाहियत महदूद हो चुकी है। रूस के डिफॉल्ट होने से आलमी मालियाती बहरान पैदा नहीं होगा। इक्तिसादी पाबंदियां रूसी मईशत पर शदीद दबाव डाल रही हैं। रूस की तवानाई इजहार करने वाले पड़ोसी ममालिक में मुतासर होंगे। जंग से कबल रूस के बैंकों की मजमू एक्सपोजर 120 अरब डॉलर थी। वलन में यूक्रेन जंग के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। वलन में 30,000 से जायद अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने यूक्रेन के परचम उठाए हुए थे। रूस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का यूक्रेनी आवाम से इजहार यकजहती। रूस से जंग रोकने का मुतालबा। वलन में यूक्रेन जंग के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। वलन में 30,000 से जायद अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने यूक्रेन के परचम उठाए हुए थे। रूस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का यूक्रेनी आवाम से इजहार यकजहती। रूस से जंग रोकने का मुतालबा। ईरान ने सऊदी अरब के साथ रवां हफ्ते होने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी। ईरान और सऊदी हुकाम के मुताबिक दरमियान बातचीत का पांचवां दौर शुरू होने वाला है। इराक में मुजाकरात के नए दौर के लिए तारीख तय नहीं की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में फांसियों की वजह से बातचीत मुलतवी कर दी। दोनों ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त बातचीत पर इत्तफाक किया था। ईरान ने सऊदी अरब के साथ रवां हफ्ते होने वाली बातचीत मुअत्तल कर दी। ईरान और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत का पांचवां दौर शुरू होने वाला है। इराक में मुजाकरात के नए दौर के लिए तारीख तय नहीं की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में फांसियों की वजह से बातचीत मुलतवी कर दी। दोनों ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त बातचीत पर इत्तफाक किया था।